आरी है वनवास जारी। जैसे राघव से रूठी हो अब के जनक दुलारी। मन भी भारी तन भी भारी, मन भी भारी तन भी भारी है वनवास जारी। जैसे राघव से रूठी हो अब के जनक दुलारी। गीत का बंद सुनने का साहब निवेदन करता हूँ, सुनिएगा क्या होता है प्रेम। जब होता है प्रेम, जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तब क्या गीत की उपमा होती है। निवेदन करता हूँ सुनिएगा कि भारी है आलिंद निलय, भारी है आलिंद निलय सब बंजर सा लगता है। भारी है आलिंद निलय सब बंजर सा लगता है। जैसे सावन मेघा के बिन खंजर सा चुभता है। जैसे सावन मेघा के बिन खंजर सा चुभता है। भारी है स्वासे नयनों का जल भारी लगता है। माता का आदेश आसा ये पल भारी लगता है। भारी है जी भारी, भारी है जी भारी। तेरी एक झलक पाने को, तेरी एक झलक पाने को तरसे प्रेम पुजारी। जैसे राघव से रूठी हो अब के जनक दुलारी। मन भी भारी तन भी भारी, मन भी भारी तन भी भारी है वनवास जारी। जैसे राघव से रूठी हो अब के जनक दुलारी। दूसरा बंदी वेदन करता हूँ सुनिएगा। मैं कुमार हूँ ब्रह्मपुरी का तू तनवंग कुमारी। मैं कुमार हूँ ब्रह्मपुरी का तू तनवंग कुमारी। मैंने प्रेम की पूजा खातिर जात पात सब हारी। तू भी भारी मैं भी भारी फिर क्या दुनिया सारी। तू भी भारी मैं भी भारी फिर क्या दुनिया सारी। जीत लाऊंगा तेरा स्वयंवर अब तक है रण जारी। भारी भारी मन भी भारी तन भी भारी है वनवास जारी। जैसे राघव से रूठी हो अब के जनक दुलारी। मन भी भारी ये खत्म ताले हो जाइए। मैं एक छोटा सा गीत आप लोगों को सुनने वेदन कर। हाँ कि लोक गीत भी मातम जैसे लगते हैं। क्या लिखी एक साहित्यकार मंच पर। लोक गीत भी मातम जैसे लगते हैं। भाषण सर्प दंश की भांति चुभते हैं। भाषण सर्प दंश की भांति चुभते हैं। राम राज्य में राजा रावण दिखते हैं। राम राज्य में राजा रावण दिखते हैं। बहुत छोटा था दादा तो मेरी माँ ने कहा कि इंसान इस संसार में केवल इसलिए आता है कि वो अपने कर्म करने के लिए आता है। विधाता उसका भाग्य ऊपर से तय करके भेजता है और उसका भाग्य वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखता है। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने देखा कि विधाता किसी व्यक्ति का भाग्य स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखता है। इस संसार में या इस देश में व्यक्ति का भाग्य सिर्फ इस देश की संसद में बैठे हुए 545 लोग तय करते हैं। और वो जिस रूप में लिखते हैं, जिन अक्षरों में लिखते हैं, मैं निवेदन करता हूँ। सुनिएगा सर, निवेदन करता हूँ। लोक गीत भी मातम जैसे लगते हैं। भाषण सर्प दंश की भांति चुभते हैं। राम राज्य में राजा रावण दिखते हैं। रक्तिम शाही से मुकद्दर लिखते हैं। रक्तिम शाही से मुकद्दर लिखते हैं। डरते 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 पढ़ती जनता। डरते डरते पढ़ती जनता रोजाना अखबार को। एक निवेदन जनता का है अंधियारी सरकार को। एक निवेदन जनता का है अंधियारी सरकार को। एक निवेदन जनता का है अंधियारी सरकार को। मैं निवेदन करता हूँ सुनिएगा सर, क्या होना चाहिए इस देश में। मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ तब निवेदन करता हूँ।
कि देह शोषण अब रुक जाए, देह शोषण अब रुक जाए, दुशासन विधि से घबराए, दुशासन विधि से घबराए, खुले केश नारी के अब जो, खुले केश नारी के अब जो, फिर से महाभारत हो जाए, फिर से महाभारत हो जाए, सचनाहारे सचनाहारे सचनाहारे, फिर शकुनी से सचनाहारे, फिर शकुनी से पत्नी और दरबार को एक निवेदन जनता का है, अंधियारी सरकार को एक निवेदन जनता का है, अंधियारी सरकार को एक निवेदन जनता का है, अंतिम निवेदन करता हूँ सुनिएगा, निवेदन करता हूँ सुनिएगा। हर अक्षरशाही में, हर समाज में, हर जगह आपने देखा होगा रिश्वतखोरी का प्रचलन, घूसखोरी का प्रचलन है, उत्कोच का प्रचलन है। तब निवेदन करता हूँ सुनेगा कि धर्म के द्वारे घूस चढ़े हैं, धर्म के द्वारे घूस चढ़े हैं, पापी कुनबे बड़े पड़े हैं, पहले तो मुगलों ने लूटा, पहले तो मुगलों ने लूटा, अब के थानेदार अड़े हैं, अब के थानेदार अड़े हैं, एक बानगी एक बानगी एक बानगी करूं समर्पित, एक बानगी करूं समर्पित, देश के चौकीदार को एक निवेदन जनता का है, अंधियारी सरकार को एक निवेदन जनता का है, अंधियारी सरकार को एक निवेदन जनता का है, अंधियारी सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।